अकाशियों का शर्त या इलाज है यहाँ हंसी का कह का होगा राज है यहाँ खुशी से खिल खिला रही है हर नजर हर नजर वेलकम टू नवाब घर वेलकम टू नवाब घर वेलकम टू नवाब घर वेलकम टू नवाब घर बजा के लाखों कमा के अपने भैया को दूल्हा बनाऊंगा फिर से अपने भैया को खोटा खिलाऊंगा फिर से हाँ जी ओ भैया कोटे भैया ओ प्यारे प्यारे भैया छोटे गप्पू भैया तुम्हारे मुतल्लक की किताबों में लिखा है कि वक्त पे गधे को भी बाप बना लेते हो नहीं हमने तो गधे को नवाब बना लिया है क्या नहीं 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 भैया एक मुश्किल आन पड़ी है क्या है मुझे 1,00,000 रुपया चाहिए लाख रुपया जी भैया क्या करना है मैंने गिनने हैं भैया जी मैंने जिंदगी में कभी गिना नहीं क्या करोगे 1,00,000 रुपया भैया मैं जेब में डालूंगा ताकि जेब वजनी हो जाए इतने नोट होते हैं 1,00,000 हाँ तो वजनी हो जाएगी ना जेब तो उसमें मिट्टी डाल लो जेब में भजन मैंने आज सालगिरह मुझे को गिफ्ट दे दें क्या चाहिए फोटो दे क्या 10,00,000 चाहिए मैंने अमरूद खाने हैं अमरूदों में से तो कीड़े निकल आते हैं निकल के मेरे साथ बैठ भी गए हैं तो चुप रहो इसी पैसे जाओ नहीं मिलेंगे एक पैसा नहीं दूंगा कभी वो देना उठ के तार पे बैठ गए अभी मेरे जहन में आ रहा था कि चलो कुछ ना कुछ तो आपको दे ही मरूं जरा 20,00,000 दे दे मेहरबानी आप चाहे अपने गुर्दे बेच के दे 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 ना मैंने तो 1,00,000 रुपए मांगा ना अच्छा मेरी एक शर्त है अब वो क्या भाई कल अलग सुबह पूरे 5 बजे नवाब साहब का ऐलान किया जाएगा बस नहीं मिलेंगे फिर नहीं 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 गलत बात की इसने हाँ इस सूरत में मिल सकते हैं कि कल सुबह 5 बजे इनको नहलाया जाएगा नहीं मिलेंगे नहीं नहीं मैं माफी चाहता अगर नहलाओगे तो नहीं मिलेंगे नहीं मैं नहीं नहलाऊंगा देखो शर्त एक ही है कि कल सुबह 5 बजे नवाब साहब गाड़ी के नीचे आएंगे नहीं मिलेंगे नहीं 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 अभी मैं देने वाला नहीं 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 मैं माफी चाहता हूँ देखो अगर चाहते हो कि तुम्हें कुछ न कुछ मिल जाए तो कल सुबह 5 बजे गाड़ी के ऊपर आएंगे उड़कर मेरी बात की खत्म हो गई नहीं तुम ना करो रीच आराम से बैठ जाओ अपनी बात मनवानी भी नहीं आती अच्छा देखो कल सुबह 5 बजे घोड़ों की रेस होगी दो घोड़े मंगाए जाएंगे उन पे आप दोनों बैठ के उनको इतनी स्पीड से चलाओ जो आगे निकल जाएगा उसको पैसे मिल जाएंगे लेकिन भाईजान मैंने तो कभी घोड़े के पैसे तो आप चाहिए घोड़ों की रेस कर लोगी कितनी देर रह गई सुबह 5 बजने में सिर्फ 23 घंटे तो रहे 23 घंटे के बाद अगर करोड़पति बन जाओगे तो क्या नुकसान है भाईजान आपकी सेहत का पता नहीं ना 23 घंटे आप जिंदा रहते हैं कि नहीं रहते नहीं मिलेंगे तो कल रेस होगी भाईजान कल रेस होगी रेस मैं जीतूंगा मैं जीतूंगा मैं बकरियों की भी मैं जीता हूँ मैंने मैंने गधों की भी रेस जीती है मैंने मुर्गियों की भी जीती है अब मैं घोड़ों की भी जीतूंगा कल सुबह 5 बजे डन तगड़धाम तगड़धाम कनक दिन कनक दिन कनक दिन कनक दिन यहाँ वक्त जाया कर रहे हो तैयारी करो जाके पहले घोड़े तो आ रहे हैं अब शेरों को पहले ही कह रहे हैं शेर कौन से सुनाए तुमने मुझे यहाँ शेर नहीं सुनाए चलो मैं अभी क्या लो के आता हूँ फिर चलो जाओ अच्छा जी मेरे साथ थकबाजी करते हैं मुझे चलाकी दिखाएंगे इन्हें ये नहीं पता दुनिया में पहले मैं आया था और पहले ही जाऊंगा अरे तू तू भाईजान ये कौन से घोड़े हैं ओए ये अरबी नस्ल के घोड़े हैं अरबी नस्ल के हाँ तो हरकते क्यों 60 का बार वाली कर ले क्योंकि उस एटमॉस्फेयर में आ गए हैं अब आप लोगों के नीचे हैं भाई जो तेज भागेगा रेस जीतेगा उसको पैसे मिलेंगे अच्छा भाई जी ये बताएं ये गंडापुर में ऐसे घोड़े होते थे अरे तुम्हें पता है दुनिया में सबसे ज्यादा तेज भागने वाले घोड़े कहाँ के हैं मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप मुझसे पूछ रहे हैं भाई जान हम यकीन करना आपने कल कहा था कि घोड़ों की सुबह सुबह रेस होगी तो आप यकीन करना कि हमने सुबह सोचा कि मैं तो सारी रात डगडग डगडग तैयारियां करता रहा ये क्या पता था कि आपकी शक्ल के घोड़े आ जाएंगे रेस के लिए तैयार हो हाँ जी नवाब इब्ने नवाब नवाब ऑफ गंडापुरी गंडापुरी गंडापुरी
तैयार हो जाओ। अच्छा जी, जब मैं कहूँ किधर गए? ये वो उठे, मैं नहीं थका, मेरा घोड़ा थक गया, अभी उठ जाएगा। तैयार हो? मैं जरा घोड़ा स्टैंड से उतार लूं। एक दो हंडी तीन, चलो भागो भागो और तेज भगाओ, जो जीतेगा उसको पैसे मिलेंगे। बैठ भजन साइड पे, नीचे ना आ। तुम लोग यहीं हो अभी तक? वो भाग क्यों नहीं रहे? तो भाग ही तो रहे हैं भाईजन, और किस तरह भागे? हेलो ओ गधे, हां जी, घोड़े पे बैठे हो? अच्छा, मैं को सीधा भागना है, है? तो फिर मुझे सीएनजी लगवा दे। शाबाश, सीधा भागना है। अच्छा, और जो तेज आएगा, जो रेस जीतेगा, उसको पैसे मिलेंगे। अच्छा, आगे खोली रखो, खोली एक दो तीन भागो, शाबाश, सीधा भागो। वाँ 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 वाँ। सीधा भागो, सीधा हो, सीधा शाबाश। भागो शाबाश, भागो, रेस बढ़ाओ, रेस बढ़ाओ, शाबाश। चलो निशान पास रहेंगे, चलो यहाँ से आगे नहीं जाना, यहाँ से आगे नहीं जाना। जो इस लाइन को क्रॉस करेगा वो जीतेगा। शाबाश, देखा, मुझसे पैसे बटोरने आए थे, ये हाल हो गया। अब जाके मस्जिद में ऐलान करा दो कि शाम को 7:30 बजे घर से ही उठाए जाएंगे भैया। नाम के घोड़े है। वेलकम टू नवाब घर, वेलकम टू नवाब घर, वेलकम टू नवाब घर, वेलकम टू नवाब घर। था यकीन के आएंगी ये रातां कभी, था यकीन के आएंगी ये रातां कभी। आज मेरी जिंदगी का हसीन तरीन दिन है अजी, जब से शादियों के मामले में पड़ा हूं। आज पहला दिन है कि मेरी पहली बीवी कराची सुधार गई। आज तो घर भी खुला खुला लग रहा है। या अल्लाह, वहां उसका दिल लग जाए अपने घर वालों के साथ, कभी कभी आया करे तो घर में उसके साथ भी। अम्मी नवाब साहब, अरे जी सोफा खत्म हो गया। अरे बात तो सुनिए, फरमाइए, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। अजी जल्दी कीजिए, मेरी खुशियों में खलल मत डालिए। मैंने कौन सा कलर डाला है? आजी मेरा यानी कि आपको मुझे देख के खुशी नहीं होती? नहीं नहीं, बहुत होती है। शुक्रिया, मुझे ना आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। बोलिए। मुझे ना वो फिटनेस, वो जो स्मार्ट होते हैं, मुझे स्मार्ट होना है। यानी अब आप मशीनें तोड़ेंगी लोगों की? क्या मतलब, आप खरीद के लाए ना घर में, मैं उस पे एक्सरसाइज करूंगी, बिल्कुल स्मार्ट हो जाऊंगी रीमा की तरह। अजी खुदा की बंदी, याद है उस दिन एयरपोर्ट पे तुम्हें वजन वाली मशीन पे खड़ा किया था, तो अंदर से पर्ची आ गई थी भी अकेले अकेले करके आओ। अरे नवाब साहब, आप जब भी देखो मेरी इंसल्ट करते रहते हो, जो मैं नहीं आपसे बोलती। ऐसा मत करना, हमारी जिंदगी का मकसद सिर्फ तुम क्या है। बड़ी वाह बड़ी, क्या कलाची मिली गई है, डल्टो लच्छन ही कुछ और हो गए। अरे लच्छन से मुझे याद आया, मुझे लच्छा खाना है। लच्छा खाना है? हाँ। जाओ जाके दो ट्राले लच्छों के लेके आओ। ट्रालों से कुछ नहीं बनेगा, वो जिस मशीन में लच्छा बनता है ना, वो मशीन ही खा ले। मारूंगा मैं, चलो जाओ जाकर कोई काम देखो। ये पानी इसमें डाला नहा ले। अच्छा सॉरी, मैं अभी देखता हूँ, जाओ। बात सुने, जाते हुए से भी ले जाती तो क्या ही अच्छा होता। हाँ, वैसे ये तो है, आप कितने अच्छे। या मेरे अल्लाह, तेज जाती है तो ये साइड बिल्कुल उठाई जाती है।
भाईजन कहाँ है? ये भाईजन कहाँ है? ये लेला बंधा हुआ है। सॉरी, आप किसी के नीचे आए हुए थे ना, मैं समझा भाईजन नहीं है यहाँ। ये हमारी खानदानी है, नवाब इब्ने नवाब, नवाब ऑफ गंडापुरी ने अपने हाथों से मुझे पहनाई थी। भाईजन आप ये तो बताइए, गंडापुरी क्या है? मेरे बाप दादा प्याज का कारोबार करते थे, याद है? अब तो उसका नाम फैसलाबाद है, पहले उसका नाम होता था लायलपुर जी। वहाँ हमारी सप्लाई जाती थी, तो वो सब लोग कहते थे कि ये गंडे सप्लाई करते हैं लायलपुर में, तो उसको शॉर्ट किया गंडापुर। गंडापुरी आ आ पानीपुरी, ओ ओ गंडापुरी आ आ पानीपुरी आ आ आ, ये है। वाह रे वाह, यानी कि आरती के काम को आपने गंडापुरी कर दिया। अच्छा भाईजन, मैं आपको ये कह रहा था, जब आप बाजी के साथ फिरते हैं। अम्मी बहू, अम्मी बहू, कौन है? नहीं कौन है? मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। डैडी क्या कर रहे हो यहाँ? मैं पट्टों का रंग करने जा रहा हूँ। पट्टों को रंग के बच्चे भाई, जान निकाल दी मेरी। रोड ही कटे रहते, निकलती नहीं। अच्छा, चले जाओ काम करो जाके। भजन, मैं ये आपसे कह रहा था कि आपने थोड़ी सी सेहत बनाए, जब आप बाजी के साथ फिरते ना तो लगता है सबीर के साथ गिलास टका होगा। वो अजीब सा लगता है कि टिश्यू के डब्बे में ना एक टिश्यू फिर रहा है। अच्छा नहीं, चुप करो। अच्छा ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ। अब छठी बात कर रहे हैं। पहले संतराश में जब मुंह दो तो एक निकलता नहीं कागज सा, आप ऐसे लगते हैं भाई। नहीं तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ट्रेनर को बुलाना है। अब यहाँ ट्रेनर आएंगे जी भाईजन? कंटेनर आएगा, ट्रेनर, कंटेनर नहीं ट्रेनर। भाईजन ये देख रहे हैं आप, अरे वाह, आप ऐसे हो जाएंगे ईमान से जी भाईजन। वो ट्रेनर आपको ट्रेनिंग देंगे, आप एकदम स्मार्ट हो जाएंगे। जब आप हंसेंगे आपकी आंखें बंद हो जाएंगी। नहीं तो शुरू कहां से करना होगा? आप ट्रेनर आएगा, वो आपको वर्जिश करवाएगा। उधर आए जरा, उस तरफ। वो जब आपको कहेगा डंड बैठ के निकालनी है, और आपने ये करके ना इस तरह करके आप फूल जाएंगे, मोटे हो जाएंगे ट्रेनर जब आएगा। तो बेहतर ये है, ये करें हम, रात को मुझे पानी वाली टंकी में फेंक दो, सुबह फूल के मोटा हो जाऊंगा। भाईजन और भी एक तरीका है। क्या? आप देसी घी में ना जहर पका के खाएं। चुप करे भाईजन, ये जो आसान तरीका है, इस तरह आप फौत हो जाएंगे। हाँ ये ठीक है, इस तरह वर्जिश बनेगी, आपको लोग आमिर खान कहेंगे, मोहम्मद राणा कहेंगे, शान कहेंगे। मजाक मत करो, मैं सही कह रहा हूँ आपको। मैंने फर्स्ट ब्लड देखी है, उसमें जो हीरो है उस जैसा। वही तो लगेंगे, तो इस तरह लगेंगे आप। भाईजान रोड जरा कम लगाए। अच्छा भाईजान, करें ना वर्जिश। नहीं तो इससे हो जाएगा जी भाईजान, करें। वाह रे वाह, दे अपना मुंह मुझे पकड़ा दे। खानदानी टोपी है हमारी, तो खानदान वालों को दो खुद क्यों रखी है? रियाज है, चुप कर चो क्यों। सॉरी भाईजान, इसकी नजर भी लग सकती है। नहीं नहीं नहीं, इसका क्रांति लगता है। बिस्मिल्लाह, चलो गिनो। एक, सौ से कम नहीं करूंगा जी। वाह 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 वाह, एक दो। बटन ईटे भी तो हो ना। अटे टटे ना, अटे अटे टटे। एक गिनो, दो, एक। एक करो तो सही। अच्छा उठे बताओ भी ना क्या करना, कुछ हो ना करना। भाईजान करे, एक एक। भाईजान नीचे भी तो हो, नीचे नीचे हटे ना भाई। हाँ ये ओ ओ नीचे चार बजे दफन किए जाएंगे। अब मैं दुनिया को दिखाऊंगा कि मैं कितना बड़ा बॉक्सर हूं। सिक्स पैक्स बनेंगे मेरे, एक दो तीन चार पांच छह, दुनिया मुझसे जलेगी, क्योंकि मेरे ख्यालों पे छाया है आमिर खान बॉक्सर जी। कद चाहे मेरा छोटा है, पर काम करूंगा बड़े बड़े। दुनिया में मेरा नाम होगा, जिधर से गुजरूंगा लोग कहेंगे वो जा रहा बॉक्सर। इतनी इतनी वजनी चीजें उठाऊंगा, वेरी नाइस, गुड। दुनिया दुनिया ऑटोग्राफ मांगेगी, मैं कहूंगा नो, आई एम बॉक्सर, आई एम सिक्स पैक।
Welcome to Nawab Ghar, welcome to Nawab Ghar. Welcome to Nawab Ghar, welcome to Nawab Ghar. Bhai, मैं तुम्हारी बात मान भी जाऊं, एक मिसाल है जी जी, तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि वजन मैं उठा लूंगा जी? और अगर वजन उठाते हुए मुझे चुक पड़ गई तो कौन निकालेगा? जिसने जान निकालनी है। क्या? चुप कर जाओ जीजा जी, के अल्लाह जिंदगी करे हमारी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। जीजा जी अब इस घर में रौनक लगेंगी, हम सब बॉडी बिल्डर हो जाएंगे। ट्रेनिंग के बाद मुझे तकना के लोगों ने शान पुले जाना, बनेगी वैलियो मेरी, बनेगी वैलियो मेरी, के आमिर खान ने कहलवाना। ट्रेनिंग के बाद मुझे तकना के लोगों ने शान पुले जाना, डोले जिस दिल मेरे होंगे कोई डोली में आएगी, मैं सॉरी उनको बोलूंगा जब फ्रेंड रिक्वेस्ट आएगी, जब फ्रेंड रिक्वेस्ट आएगी, कहेंगी लड़कियां मुझको, कहेंगी लड़कियां मुझको एक सेल्फी तो बनवाना। ट्रेनिंगों के बाद मुझे तकना के लोगों ने शान पुले जाना, होटल पुले जाना, उन्होंने मैनू इतने इतने बुलाना, थाने रोटी टुवाटे डोले बनाना, मैनू टुवाना रोटवाट ओटोटवाट ओटोटवाट ओटोवाट। कोई बात नहीं, मैं उनसे जाके डांट लेता हूँ, डोले बने दे मेरे दल, मैं उठे ज्यादा नहीं तेरे रसोई ले सकता। ब्रूस ली गड़गान गना गड़गान गना गड़गान गना गड़गान गना गड़गान गना गड़गान किट 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 गड़गान। देसी कुश्ती के आगे ये ब्रूसली स्लूसली कुछ नहीं होता, देख जरा मेरा वजन। जी आपका वजन 200 किलो 20,000 उधार हो गया जी। ये मेरा वजन कुछ कम नहीं हो गया? कम ही होना उस्ताद जी, 3 महीने से तो अपने पल्ले से रोटी खा रहे, तो कम ही होगा ना जी। बहुत बदतमीज हो बैठे, कोई मिन्नत समाजत करके हमें कोई खाना खिला दे तो इनकार करे क्या? नहीं जी बनता नहीं, जब हम मिन्नत समाजत करें कोई खाना लाए तो फिर खाना ही पड़ता है। बहुत शोखे हो गए हो तुम, है ना? चलो ये डंबल उठा के दिखाओ। जी कभी खुद भी उठा लिया करे। मैं मुझे कह रहे हैं तुम्हारी उम्र में डंबल तो क्या, मैं दो हाथियों की जोड़ी ऐसे उठा लिया करता था और ऐसे ऐसे घुमाता था उन्हें। वो तो उस्ताद जी आप मल्ले से मुर्गियां भी उठा लेते थे। हाँ, उन्हीं मुर्गियों में से ये चूजा निकला है ना। क्या बात कर रहे हैं उस्ताद जी, उठा कर दिखाएं खुद भी। ओए हाथी उठाने, हाथियों ने ऊपर सर्कस कर ली और मैंने सूंड से ऐसे ऐसे कर रहे हो ना, पूरी दुनिया ने मुंह में उंगलियां ले लेनी। हाथी फौरन नीचे आ जाते थे, हम ऊपर क्या कर रहे हैं, हमारा रीच तो नीचे है। बहुत बदतर मुझे देखकर कहते थे ना। उठाओ फोन, बेल हो रही है। हाँ मैंने समझा बाहर आइसक्रीम वाला आया। हर वक्त खाने पीने का ख्याल। हेलो जी, 5 नान और 4 प्लेट चने, अंडे डालने बीच में, कोई कोफ्ता भी भेज दे साथ। और सर क्या बात कर रहे हैं, ये
चनों वाली दुकान नहीं है जनाब, नाश्ते वाली दुकान पे फोन किया आपने। हाँ जी ये फिटनेस सेंटर है, बल्कि दौर फिटनेस सेंटर है जी। ओए ऐसे नहीं कहते हैं दौर, फिर पूरा कहना पड़ता है। क्या दुर्लाही खैर मौला खुश रखे, भाग लगे रहेंगे। जी 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 हाँ जी फिटनेस सेंटर से बोल रहा हूँ जी, उस्ताद ब्रूस ली। हाँ जी 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 ट्रेनिंग देनी है। ओ नहीं उस्ताद, उस्ताद जी तो फौत हो गए जी। क्लास कर रहा है, फौत हो गया। मैं क्या कब्र से यू टर्न लेके आया हूँ? ओ नहीं नहीं आप कब्र से सौदा लेने बाहर आए थे, आपकी कब्र पे कब्जा हो गया है जी। जी जी ट्रेनिंग, उस्ताद जी क्लाइंट से बात कर रहा हूँ जी, घर आकर ट्रेनिंग देनी है। नहीं जी नहीं हमारे पास टाइम नहीं होता जी, जी हम दफ्तर बहुत जरूरी वेले बैठे होते हैं जी। हाँ जी जी उस्ताद जी वो कह रहे घर आके ट्रेनिंग देनी है, फीस कितनी बताऊं? 1000 से कम मत बताना उस्ताद जी, इसलिए मैं दौर फिटनेस सेंटर कहता हूँ। क्यों? 50,000 बताते हैं, वो कम करते 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 1000 तक तो आ ही जाएंगे ना जी। हाँ शाबाश शाबाश। उस्ताद जी ठहरो, पहले भी मेरा मुंह मुका दिया साहब ने घोट घोट के। हेलो जी जी ब्रूसरी हाँ जी जी फीस हमारी कुछ ज्यादा होती है जी, 50,000 रुपया होती है जी फीस। हाँ जी साथ में ना 2 टाइम की रोटी और परसों का सालन भी ले लेते हैं। हाँ जी है जी जी नवाब ऑफ गंडापुरी, हाँ जी नवाब ऑफ थोमपुरी के दमाद हैं जो जी। नहीं जी 50,000 से 1 रुपया भी कम नहीं होगा जी। हाँ जी नहीं स्टॉची, और मैंने कहा था ना कि 50,000 ना बताना, वो नहीं माने ना आखिर। उस्ताद जी वो मान गए, उन्होंने हाँ कर दी है। मान गए? सॉरी भाईजन हमने आपको डिस्टर्ब किया। कोई बात नहीं अब तो हो गया। सॉरी भाईजन वो आपसे ये पूछना था कि वो ट्रेनर आ गया? अजी ट्रेनर तो नहीं आया, अलबत्ता कंटेनर आ गया। कंटेनर नहीं ये मेरी बाजी है। हाँ अब तो बहुत स्लिम और स्मार्ट होने जा रही है। वो कब आ रहे हैं, कब आ रहे हैं? अभी उनका कोई बंधन आया है ना, कोई कॉल आई है ना, कोई समझ आई है। क्या हो गया? अरे दबाओ ना यहाँ से, ये क्या बदतमीजी है? अरे मेरी बेटी कराची क्या गई, तुम लोगों ने यहाँ पे धमाल मचानी शुरू कर दी। अजी ऐसा नहीं है। अरे चुप रहो। अरे क्यों चुप रहे, उनकी दूसरी बीवी तो इधर ही है ना। अरे तुम तो चुप ही रहो। एको चुप रहूं? मेरी बहन को बोलने दे आप, खबरदार। अरे बहन है ये भैंस है, चुप करवाओ इसे। अरे देखे मैं आपकी उम्र का लिहाज कर रही हूँ। तुम मेरी अम्मी से बदतमीजी करके तो दूसरा हूँ मैं, तुम्हारे थल पे कमरा मार दूंगा। अच्छा बाजी आओ, यहाँ नागन आ गई है, दस ना ले। आंटी नागन, अरे ये मेरे शोहर है। अरे ये मेरा दामाद है। अरे ये मेरे शोहर है। अरे दामाद, अरे मेरा शोहर है। अरे बोलते क्यों, अरे बोलते क्यों नहीं आप? अजी बीच में से चीर ना देना, इनकी लड़ाई लंबी, हम आइसक्रीम खाए। हेलो नाइस टू मीट यू, मैं हाथ धोकर आया हूँ। तो मुंह भी धोके आते। बदतमीजी मत करो। कौन है ये? ये मेरे भाई की बेटी है। ये मिसेस साई है। मिसेस साई? मेरी पापा पापा। आ जाओ, तुमसे छोटी सी जगह पे कब्जा नहीं हुआ, ये पूरे घर पे कब्जा करने के लिए आओ। नागन आ गए इस घर में, चले जाते हैं हम। मजाक। अरे मेरी बेटी यहाँ नहीं है, लेकिन तुम्हारी सास तो यहाँ मौजूद है। जी जब से आप आई है मेरी सांस से सांस भी नहीं निकल रही। एक्सरसाइज वाले आ रहे हैं, वो मैंने सोचा भी इसको जरा थोड़ा अपने आप को मैं समाज कर लूं। इससे ज्यादा क्या करना, फिर आप फट जाएंगे। ये हंटी तो बिल्कुल तुम्हारे। वैसे एक बात कहूं अगर आप बुरा ना माने तो। हाँ बोलो। वो ट्रेनर तो आ ही रहे हैं एक्सरसाइज वाले, अगर आप भी कर लें तो बहुत अच्छी लगेगी, स्लिम और स्मार्ट। वैसे भी अभी आपकी उम्र ही क्या है? हंटी बाकी नहीं। बात तो तुमने बड़ी अच्छी की है, सीधी मेरे दिल पे जाके लगी। मैं उनको कॉल करके बुलाता हूँ। हाँ जल्दी जाओ। हाँ, आप कहीं जाइएगा नहीं। मैं तो कहीं नहीं जाने वाले दामाद मियाँ। अम्मी वो बाजी कब आएंगी? कलाटी थे उठे तो बुलाओ। अरे भाड़ में जाए बाजी। हाँ?
अब तो अम्मी बाजी हो गई बेटा। आपकी बाजू है जैसे एक माचिस की एक तीली सी, 26 इंच की पेंट भी आती आपको है ढीली जी, डॉक्टर भी कमजोरी को देख के ये कहता जी, इसने नहीं जीना, इसने नहीं जीना। ब्रूसली ऐसे मत करो बड़ा उस्ताद, बोलू बोलू उस्ताद बोलू। इसको वो दुआई देनी है जो हमने ब्रूस ली, जैकी चन और मिस्टर पाकिस्तानों को कई मर्तबा दी है। तो झारा पहलवान को भी दी थी हमने। हाँ जी, और भोलू पहलवान को भी। उदासियों का शर्तिया इलाज है यहाँ, का शर्तिया इलाज है यहाँ, हंसी कह कहो का राज है यहाँ। खुशी से खिल खिला रही है हर नजर, हर नजर। वेलकम टू नवाब घर, वेलकम टू नवाब घर, वेलकम टू नवाब घर।